आज नोएडा पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने बिहार के पूर्व सीएम के दिल्ली स्थित मकान में चोरी करने वाले चोरों को धर दबोचा। साथ ही सेक्टर 62 की पीएमओ सोसाइटी में बीते 8 तारीख को चोरी करने के मामले में भी थाना 58 पुलिस ने इन्हीं आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। चोरों में एक सुनार भी शामिल है। इनके 3 साथी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के साथ खड़े 3 शातिर अपराधी कोई मामूली चोर नहीं है। इन लोगों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के दिल्ली द्वारका में स्थित मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे इन लोगों ने उनके मकान से 54 लाख रुपए की नकदी और जेवर चोरी किए थे। देखिए, 3 छात्र चोर पकड़े गए हैं जिन्होंने नोएडा में सेक्टर 62 में 2 घरों में चोरी की हुई थी। छात्र टाइप के तीनों ये अभियुक्त हैं। इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि ये दिल्ली में 20 तारीख को एक चोरी किए थे, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर पे भी इन्होंने चोरी की थी। उसमें जो नगद पैसा इन्होंने चुराया था उसमें से करीब 15,40,000 रुपये बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वहाँ से चूंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। हमारे यहाँ से जो 2 मुकदमे चोरी के थे उन पे भी उनसे संबंधित भी माल इसमें बरामद हुआ। इसके साथ ही इन चोरों ने नोएडा स्थित पीएमओ सोसाइटी में 2 फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस को इन चोरों की तलाश थी। पुलिस ने दिल्ली निवासी हरि प्रकाश हरीश और मोहन वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मोहन वर्मा एक सुनार है जो चोरी के आभूषणों को सस्ते दाम में खरीद कर फायदा लेता था। पुलिस ने इनके पास से 15 लाख रुपए नगद और आभूषण प्राप्त किए हैं। पुलिस ने सभी चोरों को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया है, जबकि इनके फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है। 8 नवंबर को हमारे यहाँ पे थाना 58 क्षेत्र में 2 घरों में ताले तोड़ के चोरी की गई थी। सेंसिटिव नेचर की चोरियाँ थी। उनसे संबंधित 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनमें से एक सुनार है। 2 एक्चुअल चोरी करने वाले मौके पे मौजूद थे। इन लोगों ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि दिल्ली में द्वारका में पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के घर में इन लोगों ने चोरी की थी। उससे संबंधित करीब 15,40,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने सूचना दे दी है, आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन। सर, कितने समय से चोरी कर रहे थे लोग? ये लोग अभ्यस्त चोर हैं, जो पहले से लोग चोरी कर रहे थे। कई इन लोगों को चोरी करा है और कई वर्षों से लोग।